इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपके पास आईटेल विजन 3 का मोबाइल और उसमें दोस्तों आपका फ़ोन जो है साइलेंट हो गया है, मतलब म्यूट हो गया है, मतलब कॉल या नोटिफिकेशन आने पर आपको कोई भी साउंड सुनाई नहीं देता है या आपका फ़ोन वाइब्रेट नहीं हो रहा है कॉल आने पर, तो आप दोस्तों अपने फ़ोन को साइलेंट मोड से कैसे बाहर निकाल सकते हैं या साइलेंट मोड आप बंद कैसे कर सकते हैं आईटेल विजन 3 में, चलिए मैं आपको बताता हूं। इसके लिए आपको आईटेल विजन 3 मोबाइल फ़ोन के नोटिफिकेशन पैनल को नीचे करना है और देखिए दोस्तों इसमें आपको एक सेटिंग मिल जाएगा म्यूट के नाम से, अगर आपका फ़ोन साइलेंट होगा तो आपको क्या करना है, ये जो म्यूट वाला ऑप्शन है इस पर एक बार आपको क्लिक करना है तो फिर आपका फ़ोन ये रिंग मोड में हो जाएगा और रिंग लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। रिंग लिखा हुआ देखने को मिल जाए तो आपको छोड़ देना है तो, और उसके बाद आपका फ़ोन साइलेंट मोड से हट गया है इसका मतलब। तो इस तरीके से आप साइलेंट मोड से हटा सकते हैं। या दोस्तों देखिए अगर इस तरीके से म्यूट भी है तो आपका फ़ोन में जो दोस्तों वॉल्यूम बटन होता है तो वॉल्यूम अप बटन को आपको लगातार दोस्तों दबाकर रखना है तो ये घंटी वाला आइकन मिल जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ ये घंटी वाला आइकन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोन दोस्तों साइलेंट मोड से हट जाएगा और आपका फ़ोन फिर दोस्तों रिंग मोड में हो जाएगा। रिंग मोड में हो जाने पर किसी का भी कॉल या नोटिफिकेशन आएगा तो कॉल आने पर रिंग टोन और नोटिफिकेशन आने पर नोटिफिकेशन टोन सुनाई देने लगेगा। तो इस तरीके से आप दोस्तों आईटेल विजन 3 मोबाइल को आप साइलेंट मोड से हटा सकते हैं या साइलेंट मोड इसमें बंद कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा।